Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्योंकि मौका ही ऐसा है। तो जी हम सब की तरफ से, सतरंगी की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, जितने भी मुसलमान और पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में, उन सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। और जी ये जो ईद उल अज़हा है इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत गलत और अच्छे अच्छे और क्या कहना चाहिए कि मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी मेरी कंटेंट की लड़की शैलीन से, तो उसने कहा कि देखें इसको हम बकरा ईद गलत कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ बकरे की कुर्बानी थोड़ी होती है, इसमें तो गाय की भी कुर्बानी होती है, इसमें तो ऊँट की कुर्बानी भी होती है, इसमें तो दुम्बे की कुर्बानी भी होती है, तो हम इसको बकरा ईद क्यों कहते हैं? किसी को पता है ये बात? मुझे लगता है कि ये नाम इसका बच्चों ने रखा है क्योंकि बच्चों को शौक होता है बकरे घुमाने का और वो मोहल्ले में बकरे लेके निकल जाते हैं घुमाने के लिए, इसलिए बच्चों ने इसका नाम बकरा ईद रखा है। कोई इसको कहते हैं जी कुर्बानी वाली ईद, कोई कहता है बड़ी ईद, और असल में इसका नाम है ईद उल अज़हा। तो बहुत सारे नाम है ईद के और यह ईद है खुशियों भरी ईद, जिस तरह इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है इसी तरह इसमें बहुत सारे पैगाम हमें मिलते हैं। जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं और आज भी कहेंगे कि कुर्बानी का जज्बा इस ईद पे हमें नज़र आता है, और वो कुर्बानी का जज्बा वो है जो कि अपनी बहुत ज़्यादा कीमती और अपनी जान से प्यारी चीज़ को कुर्बान करना हो जहाँ पर, और अल्लाह की राह में कुर्बान करना हो। तो जी कुर्बानी इंसान की ज़िंदगी में वैसे भी होनी चाहिए, और जब भी आप अपनी कोई भी चीज़ कुर्बान करें, अपना कोई जज्बा ही कुर्बान कर दें, अपनी कोई छोटी मोटी चीज़ या अपनी जान से प्यारी चीज़ कुर्बान करें, तो ये ज़रूर सोच लें कि आप, ज़ाहिर इंसान के लिए इंसान कुर्बानी देता है, लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि हम ये कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का हुक्म दिया गया और अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। तो अगर आप किसी इंसान के लिए भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं लेकिन आपकी सोच ये हो, आपकी नीयत ये हो कि अल्लाह ताला को कुर्बानी पसंद है, और कुर्बानी किसको कहते हैं, अपनी जान से प्यारी, अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ किसी के सुपर्द कर देना या किसी को दे देना या कुर्बान कर देना, मोहब्बतें भी बड़ी कुर्बान होती हैं वैसे दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। तो जी आज हम मनाएंगे बकरा ईद बड़े मज़े से, ईद उल अज़हा और बड़ी ईद और कुर्बानी वाली ईद। तो आज की ईद जो है हमारी खुशियों से भरी हुई होगी और ये खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इसी तरह बरकरार रखे, और ये एक ऐसा तोहफा है ईद का अल्लाह की तरफ से हम सबको कि जो समझा जाता है कि जी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, चाहे वो ईद उल फितर हो चाहे वो ईद उल अज़हा हो। और ईद 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 हम अक्सर बचपन में जो है जब हम ईद बकरा ईद आने वाली होती थी तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे कि अब तो जी कुर्बानी का जानवर आएगा और बकरा आएगा और गाय आएगी, और मोहल्ले में दूर दूर, और आज भी ये रिवाज है कि लोग दूर दूर तक गाय या जानवर देखने जाते हैं कि जी वो जो वहाँ जानवर आया है ना, वो बड़ा जानवर आया है, बहुत ऊंची बैल है और बड़ा ऊंचा जो है उसका कद है और सफ़ेद रंग का बैल है, चले वो देख कर आते हैं। और आज भी चाहे छोटे इलाके हों चाहे बड़े इलाके हों, आज भी ये रिवायत कायम है, लोग कुर्बानी का जानवर देखने के लिए एक घर से दूसरे घर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक इलाके से दूसरे इलाके जाते हैं, और ख़वातीन की तादाद भी अब तो मंडी बहुत ज़्यादा जाने लग गई है जानवर देखने के लिए और जानवर खरीदने के लिए। और ये भी एक देखे ना, ईद से, हर ईद से पहले एक एहतमाम होता है, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, और ईद उल फितर से पहले हम रोज़े रखते हैं और ये तमाम जो है तैयारियां होती हैं, बाज़ारों में जाते हैं, कपड़े वपड़े ख़रीदते हैं, और बकरा ईद से पहले जो एहतमाम होता है वो होता है जानवर का, जानवर ख़रीदने जाना है मोहल्ले के सब लोग मिलके जानवर ख़रीदने जा रहे हैं, सब बड़े शौक़ से जानवर ख़रीदने जाते हैं, देखते हैं, लेकर आते हैं, हर कोई ये समझ रहा होता है कि उसको सबसे ज़्यादा पता है जानवर के बारे में, और वहाँ पर ये बहस भी चल रही होती है, नहीं नहीं ना 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 ना, देखो इसका गोश्त जो होगा ना वो गुलाबी रंग का नहीं निकलेगा, इसका गोश्त जो होगा ना वो डार्क कलर का होगा, अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा होता है। अगर गोश्त डार्क कलर का निकल रहा है
तो उसकी शामत आ जाती है जो बेचारा कहता है कि इसका गोश्त गुलाबी रंग का निकलेगा। लेकिन जी खुशियां हैं हमारी ईद की, हमारे मज़हब का, हमारे इस्लाम का बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है जो कि हम मनाते हैं। और ये देखें जो जो जिस जिस चीज़ के हमारे मज़हब में तनबी की गई है या जिस जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो जब भी हम काम करेंगे हमें उसका सवाब भी मिलेगा। तो खुशियों के साथ साथ हम सवाब भी उठाते हैं इसका। तो आज भी हम बहुत सारी खुशियां मनाएंगे क्योंकि ईद के एक दिन नहीं ईद के तीन दिन होते हैं और तीन दिन हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं और चौथे दिन तक ये खुशियाँ चलती ही रहती हैं बल्कि ईद से पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो आज भी हम खुशियाँ मनाएंगे जिस तरह हमेशा हम खुशियाँ मनाते हैं अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। उसी तरह आप हमारी फैमिली है, जितनी माएँ बहनें बेटियां भाई साथी जो भी हमें देख रहे हैं वो सब हमारी फैमिली है क्योंकि हम रोज़ आपके घर आते हैं, रोज़ आपसे बात करते हैं, हर तरह के गम और खुशियां आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमारी फैमिली हैं और आज हमारे साथ और जो दोस्त और अहबाब और फैमिली मौजूद होंगे उनसे भी आपको मिलवाएंगे और बड़े मज़े मज़े के गेस्ट हैं आज हमारे साथ, बड़े मज़े मज़े की एक्टिविटी करेंगे उनके साथ। लेकिन 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 सिर्फ मज़े मज़े की बातें और मज़े मज़े के गाने नहीं होंगे, मज़े मज़े के खाने भी होंगे। तो आज गाएंगे, हंसेंगे, खुशियां मनाएंगे, खाएंगे क्योंकि आ गई है ईद उल अज़हा। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। ईद मुबारक। मुबारक और एक बार फिर तमाम देखने वालों को हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब मैं बुलाने वाली हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को क्योंकि दोस्तों के बगैर खुशियां हमेशा ही अधूरी रहती हैं। हमारे मुल्क के दो बड़े नाम आप लोगों की बहुत सारी तालियों में, इजाज़ असलम और जी अली। इजाज़ है ना, जबरदस्त मजा आया। लगे मैं अभी भी मुंह पे लगे और क्या करते रहोगे पूरे शो में तुम? नहीं कुछ। कैसी गुजर रही है ईद भाई? जबरदस्त। और इस दफा वैसे पता नहीं चला, छोटी ईद और बड़ी ईद में ऐसा लगा फौरन ही आ गई क्योंकि काम में बिजी रहे और इस दफा काफी एक्टिविटीज होती रही इन बिटवीन। हाँ। तो फौरन ईद आ गई, फौरन ईद आ गई। एक्टिविटीज भी और मौसम भी इतना अच्छा रहा है कराची का, है ना, बारिशें और इतवार वाले दिन बारिश। बस एक चीज है कि जब हम बकरीद मनाते हैं तो बच्चे या कुछ लड़कियां जरा नाक भूं चढ़ा के इधर उधर घूमते रहते हैं। हाँ। कि जी वो गोश्त की स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी खाला पुपियाँ नानियाँ दादियाँ सारी जिंदगी से यही काम करती चली आ रही हैं क्योंकि सारा दिन यही होता है, सुबह का खाना, रात का खाना, दोपहर का खाना यही हो रहा होता है और गोश्त उनके हाथ में होता है। बकरा ईद जो होती है वो होता ही है, खाना पीना बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा छोटी ईद पे भी होता है लेकिन इसमें जरा गोश्त बहुत हर जगह गोश्त पकना खाना और फिर वो मेरे घर तो रोना धोना शुरू हो जाता है सुबह सबसे पहले क्योंकि मेरा छोटे भाई को बकरे की कुर्बानी जब होनी होती है तो वो उसके साथ इतनी अटैचमेंट उसकी हो चुकी होती है। हाँ। बकरे के साथ ही जस्ट डोंट लेट द बकरा गो, है ना, एनी साइड के भाई मुझे ये क्यों हो रहा है, अच्छा कल कर लेंगे, कल अच्छा परसों कर लेंगे, नहीं कल तो मेरे दोस्तों ने कर भाई यही तो कुर्बानी ज्यादा असल कुर्बानी होती और है। और मैं उसको हर दफा समझाना पड़ता है कि यही कुर्बानी है, ये जो आपने इतने दिन से प्यार था आपका और अब आपने इनको कुर्बान कर। लेकिन लोग उसी दो जोक दर जोक जो है वो जा रहे थे मंडी में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं जी अल्लाह मालिक है, चलो भाई। हमारे वैसे पाकिस्तानियों का ये बड़ा सिलसिला है ना, वो हर चीज अल्लाह पे छोड़ देते हैं, खुद कुछ नहीं करना। तो बस वो फिर यही था कि जरा आखिर में लें ताकि जाहिर है कि वो जितना कम टाइम असर हो जाए। अच्छा जी हमारे साथ एक और मेहमान हमारी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं और बहुत सारी तालियां हमारी बहुत ही प्यारी शेफ फहमीदा के लिए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप?
फहमीदा आज हमारे मेहमानों के लिए आप क्या बना रही हैं? आज मैं बहुत सारी चीजें बना रही हूँ स्पेशल गेस्ट के लिए, स्पेशल डिशेस। स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल डिशेस क्या है ये? ओ हो, कलेजी। कलेजी के बगैर तो ईद का मजा ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप कलेजी जो है ये किस तरह बनाई? कलेजी हम बनाते थोड़ी सी हीक जरा आती है ना। हाँ, लेकिन हम लोग अगर ये तवा कलेजी बन रही है भाई, एजाज तवा कलेजी बन रही है, ये बड़ी चटपटी होगी। तवा कलेजी ये सीखनी भी पड़ेगी, ये सीखनी भी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तवा कलेजी बनाएंगे जो तवे पे बनेगी। ओ वाह, ये मर्दों के लिए बहुत जरूरी है कि ये सीखे। ये मेरे बकरे की कलेजी नहीं, मेरे बकरे की कलेजी तो खा पी के खत्म हो चुकी है। ये हमने ये सतरंगी का बकरा है, ये सतरंगी के बकरे की तवा कलेजी है। इसके लिए हम डालेंगे प्याज। तुम्हें खाना पकाना आता है? थोड़ी बहुत चीजें आती हैं। कलेजी बनानी आती है? नहीं, कलेजी कलेजी बनाना एक फन है, क्योंकि कलेजी को अगर बहुत ज्यादा पका लिए तो वो सख्त हो जाती है। और ये बड़ी अच्छी साफ हुई है। अगर सॉल्ट हम एंड में डालें ना तो ये हार्ड नहीं होगी। अच्छा, चले भाई सुन ले सब तमाम खवातीन, ये टोटका बता दिए कि अगर नमक सबसे आखिर में डालें तो कलेजी जो है वो सख्त नहीं होती। सख्त नहीं होती, सही है जी। तो फिर आप बनाइए कलेजी। और एजाज हम अपने एक और मेहमान को, बल्कि दो और मेहमानों को यहाँ पर बुला रहे हैं। और अरे गेम करते हैं ना, इजाज़ कहते हैं तुम तो बस यही करवाती रहती हो मुझसे। अबे एक और आ गया, हर 14 अगस्त के शो में भी एक और आ गया, 14 अगस्त के शो में भी गेम्स खेल रहे। तो भाई मजा आता है ना, ये नहीं आता मजा? देखो फन तो है ना, बहुत फन। और पता है क्या, हमारा बचपन जब से चला गया ना, हमने तो गेम खेलने ही छोड़ दिए। अब दुनिया हमारे साथ गेम खेलती है। और गेम सिंपल होते हैं वैसे तुम लोगों के, आज मुझे नहीं पता क्या है। आज भी बड़े आज ऐसा ना हो तो कुछ और अल्जेब्रा के, हमने अल्जेब्रा के सवाल हो, लटकना है उल्टा उल्टा लटकना है, तो मसला नहीं है। ये तो बकरे को लटकाते हैं उल्टा। लेकिन आप दो अकेले थोड़ी खेलेंगे, आपके साथ दो टीमें और भी आनी है ना। तो एक और हम अपने जो है टीम को बुला रहे हैं, हमारे दो बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट जिनको मैं बुलाने वाली हूँ यहाँ पर। और एक जो है उनमें से वो लाहौर से आई हैं हमारी ईद में, हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए, जो हमारी एक्ट्रेस हैं। और एक जो हमारे सिंगर कम एक्टर हैं, उनके बारे में बताती चलूं कि आप आजकल उनका एक गाना देख रहे हैं जो कि आप लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, चाहे फेसबुक हो या फिर आप लोगों के फेसबुक के अलावा गाड़ी हो आपकी, या फिर टीवी हो आपके, या फिर रिंगटोन हो, वहाँ पे हर जगह ये गाना सुनने को मिलता है, खाकी बंदा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में अहमद जाज़ेब और फिजाली। किसी और काम में मसरूफ करके मैं तो निकल लिया ना। मैंने कहा फिजाली मुझे कहते हैं, फिजाली मुझे कहते, निकल गया। मैंने दोनों का साथ नाम लिया था तो तुम रुक ही गई। अच्छा चलो, नाम तुम कह रही फिजाली का नाम लिया तो तुम क्यों नहीं आई? मुझे अपनी आवाज आ गई, मैंने इसको काम में लगा दिया था पीछे। सुबह बहस शुरू हो गई। ईद मुबारक आप दोनों को, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, सबको ईद मुबारक। अहमद हलाल किया आज, जानवर हलाल किया, छुरी चलाई करूंगा अभी इसके बाद। तुम्हारे यहाँ ईद के तीसरे दिन होता है? हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनके ईद के तीसरे दिन होता है, किसी के ईद के दूसरे दिन होता है, किसी के ईद के पहले दिन होता है, और हम लोग पहले दिन करते हैं। और अम्मी को मैं कहती हूँ खबरदार आपने पहले दिन किया, क्योंकि आपको मेरे घर आके गोश का दिया भांजा करना है, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं आता। तो अम्मी हमेशा फिर हमारी दूसरे या तीसरे दिन करती है। सही बात है। एक तो कुर्बानी, लेकिन उसके बाद जो जो संभाला सबसे मुश्किल काम होता है, बांटना है, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि निहारी का गोश्त कौन सा होता है, पुट का गोश्त कौन सा होता है। मुझे सिर्फ निहारी का गोश्त पता है, बाकी के गोश्त का नहीं पता। निहारी का भाई तुम क्या सारा घर में रख लेती हो, हम तो बांट देते। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अच्छा सात हिस्से करते हैं ना, एक हिस्सा हमारा होता है, एक हिस्सा जिनका इंतकाल हो चुका उनका होता है। नहीं, मैं इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, डीप फ्रीजर। अल्लाह झूठा झूठा तौबा तौबा, कह रहा तो निकाल लो मुझे बाहर। ईद से दो दिन पहले साउथ ढूंढ रहा था डीप फ्रीजर। जी नहीं, हम तो वैसे भी गोश्त खाते ही नहीं है गाय का इतना ज्यादा, पाए खाते हैं। मगर एक और बात है, कुछ लोग ये होते हैं कि जो बाजार से पूरे साल गोश्त सीरियस हो गए, टेस्ट नहीं आता। नहीं मैं तुम्हारी बड़ी तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। जब कुर्बानी के अपने लिए गोश्त रखा जाता है ना कुछ, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, बड़ा जायके वाला होता है, गोश्त ताज़ा भी होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने देखा है कि वो गोश्त जो है वो वाकई नहीं बांटते, वाकई नहीं। फायदा क्या कुर्बानी का? लेकिन हम तो भाई पहले से ही, हमारे तो पहले तो घर में ही बढ़ जाते सारे नौकर, ये मेरी बाजी, ये मेरा है, ये मेरा है। और मैं इस चक्कर में कि ले जाओ जल्दी से साफ हो जाए यहाँ से। हाँ भाई ले जाओ, जिसको जो चाहिए बाजी, चार थैलियाँ चाहिए अच्छा भाई ले जाओ, ताकि थैलियाँ तो खत्म हो। माशाल्लाह गोश्त, और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि वो तमाम लोग जो सारा साल गोश्त कम खाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं खाते, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला किसी ना किसी को हर चीज़ से, हर नेमत से नवाजता ही रहता है, लेकिन कम और ज़्यादा तो जो लोग कम खाते हैं वो उनका ये है कि उनकी वाकई ईद की खुशियाँ जो हैं दुबाला हो जाती हैं। तो फिज़ा
कैसा लग रहा है कराची में ईद करना तुम्हें? यार तुमने बुलाया, अच्छा लग रहा है मुझे अपने दोस्तों के साथ. वही बात हो जाती है ना, मैके में आके ईद मनाना, इससे मिली इतनी मुझे इतनी खुशी हुई. पीछे हम लोग गप्पों में लग गए, तुमने इससे जवाब दिया. मुझे सबसे ज्यादा इससे मिलकर खुशी होती नहीं सबको. अच्छा सबको मुझसे मिलकर खुशी है दी, इंडिविजुअली पूछ लिया, काफी अरसे के बाद मिले. मुझे भी बहुत खुशी है. शुक्रिया बहुत बहुत. इसीलिए खुशी हुई थी. अरे ऑलवेज हेल्पिंग हैंड. ओ जी मेरा ख्याल है कि सब यहाँ पे मौजूद है और आप लोगों को पता है तवा कलेजी बन रही है आप लोगों के लिए. और अहमद तुम्हें कलेजी थोड़ी सी जरा कच्ची पक्की रखिएगा, ज्यादा नहीं. नहीं नहीं बैठ जाइए, खिलाएगी बकरे की कलेजी. वो मुर्गी की कलेजी होती है. अच्छा वो मुर्गी की कलेजी बहुत अच्छा बनाती है बाय द वे. शुक्रिया शुक्रिया नवाजिश. जंगल में मोड़ना चाहिए हमें क्या पता ऐसे लिए जंगल में मोड़ना चाहिए किसने देखा. अच्छा जिया तुमसे पूछूंगी मैं कि कौन सा दिन ऐसा होता है जहाँ सारी की सारी फैमिली जमा होती है एक जगह? पहला दिन ईद का जो है उस दिन एक जो जज्बा होता है ना गोश्त और फैमिली इकट्ठी हो जाती है. सोचो अच्छा ये क्या मसला है कि घर की माएं और बड़ी बहनें जो होती हैं वो कसाई ही लग रही होती है ईद के दिन भी. उन्होंने ना कपड़े बदले हुए होते ना कुछ किया होते, वो नहीं हाल से गोश्त समेटे बैठी होती. मैं लकी हूँ इस मामले में. मेरे भाई माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना सुगड़ है. अम्मी के जो किचन का काफी काम है, स्पेशली एक तो प्रोफेशनल शेफ है. सो हमें पता भी नहीं चलने देता, स्पेशली मुझे क्योंकि मैं गोश्त कम खाती हूँ. तो मैंने थोड़ा सा ये हिस्सा जो है वो जो खरीदना है या उसको संभालना है ईद से पहले वो मैं कर लेती हूँ. अदरवाइज कुर्बानी वाले दिन भाई फुल टाइम ऐसे बाजू किए हुए होते हैं चारों पांचों ने और वो लगे हुए होते. अच्छा मजे की बात है जब गोश्त के लिए घर के बर्तन निकलते हैं उनमें से आवाजें निकलती है, अम्मी कहती तसला लेके आना. तसला नहीं मिल रहा तो उसका ढक्कन ले आओ, ढक्कन में रख दो गोश्त. हाँ क्योंकि हर बर्तन और बाद में जिस जब वो जो चटाई के ऊपर बैठ के कसाई गोश्त काट के जाते हैं तो उसको बैठ के धो तो कभी उसमें झाड़ू मारो तो उसमें ब्रश मारो सर्फ लगाया था उसको भी नहीं. पहले भी धोते हैं बाद में भी धोते हैं. अच्छा एक और चीज भी नहीं होना शुरू हुई है कि कसाई का आजकल इंतजार होता है ना एंड टाइम पे. कसाई तो बड़े तंग तो कसाई तो चेक कर ले. मैं एक दिन उठा मैंने कहा यार कसाई का क्या सीन है यार, वो मुश्ताक काटेगा. मुश्ताक वैसे खाला का बेटा है, वो अपने खानदान में कसाई वसाई ही सारे बन गई. ये बहुत सारे ये बड़ा मौन हो गया होता है. सारे कजन्स मिल जाते हैं और वो मिलके ही कुर्बानी करते हैं. ये तो मैं कह रहा हूँ ये भी एक अच्छा बच्चे वगैरह ना वो कहते थे कि हमें जरूरत नहीं है हम तो खुद ही काटेंगे. 11 बच्चे मेरी खाला के वो कहते थे हम खुद ही काटेंगे हमें खुद ही आती है सफाई हम खुद खाल उतारते हैं. क्या कह रहे मैंने नहीं सुना क्या बोला कितने 11 बच्चे कह रहे एक और कर लेती पूरे पूरा टीम हो जाती. इजाजत सुनने मशवरा नहीं दिया पता ही अब चला. अच्छा जी इसी तरह हंसते खेलते ये ईद गुजरेगी आप लोगों के साथ एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक से वापस आते हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी ईद मुबारक. हमारे और रह गए हैं तो मैंने सोचा कि उनको भी बुला लूं ताकि छोड़े 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 हम अहमद हेल्प कर दे यार किसको. अबे यार एयरिंग काबू में नहीं आ रहे हैं. और हमारे दो बहुत ही प्यारे मेहमान, एक हमारी बहुत प्यारी दोस्त और वो भी दूसरे शहर से आई हैं, और जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी दूसरे शहर से आए हैं. तो बहुत जबरदस्त सा वेलकम कीजिएगा आपकी बहुत सारी तालियों में नमान जावेद और मिशी खान. आपने बीच में
इतनी माशाल्लाह दो लंबी खूबसूरत मॉडल्स के साथ में, एक और भी छोटी है, टेंशन ना लो. अल्लाह फिजा फिजा खुदा तो थैंक यू. ऑन एयर में कहना चाहूंगी ये मैं अपना पाउच भूल गई, तो ये अच्छा वो गिर गया, दोनों उतार दो मैं गिर. वेरी आप हलाल करते हैं जानवर या आप डरते हैं? फिलहाल तो हम खुद हलाल हो गए और जानवर भी करने में इसका कुछ नहीं होने वाला. मेरा भी कुछ नहीं होने वाला, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये हलाल ही रहेगा. मिशी कितना खाया, क्या क्या किया सुबह सुबह? सुबह सुबह एक तो ये होता है कि हमेशा जब भी कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो एक ट्रेडिशन है वो ये कि कलेजी फ्राई होती है. कलेजी फ्राई होती है और काली मिर्च के साथ. हमने आज भी कलेजी फ्राई करवाई है माशाल्लाह, और तवा कलेजी बन रही है आज आप लोगों के लिए. डाइट तो गई सर. हाँ बिल्कुल, क्या हो गया? उसने चप्पल उतार दी. मैं भी एक सेकंड करें और बाहर आई भी है अहमद के बाहर. अब एक सेकंड एक बात बोलती है, अब प्लीज चप्पल ही उतारना प्लीज. नहीं नहीं मैं पकड़ के अच्छा टेंशन. वो मूड पे डिपेंड करता है. अच्छा तहमीदा कहाँ तक पहुंची कलेजी? बस दो मिनट में सर्व कर रही हूँ. अरे यार सर्व कर रही है भाई. और जब तक हम एक काम करते हैं, हमारे शबी आप मौजूद हैं, हमारा बैंड भाई, हमारे बैंड को और शबी आपको भी ईद मुबारक. और शबी आपके पास सब कुछ गिरा हुआ, उतार ले जरा यहाँ से. यार एक एक माइक हमें भी दे दे, पता है कि बिला वजह गाने वाले हम लोग, एक एक माइक हमें भी दे दे. एक शबी को गाने दे फिर आप लोग गाते. सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता. अभी आपको वहां से माइक दिलवा देते हैं हम. तो शबी क्या सुना रहे हो आज हमें? सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक. और आज ईद का माहौल है तो ईद के हिसाब से ही गाना क्या कहते हैं करता हूँ. सही जरूर है, तेरा ये शबी के लिए बहुत सही तालियां. ईद मुबारक. और इतनी दफा तुम्हें पता है कितनी दफा ईद मुबारक बोला इस गाने में? 50 दफा. अनलिमिटेड टाइम, मुझे याद भी नहीं. बहुत बार. और अब तो सब कह कह के थक गए होंगे. खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक. और तवे तवा 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 बन गई. जी जी मैं ला रही हूँ तवा. मुझे नजर आ रहा है तुमने हमारा तवा लगाया तो हम तो गए. तवा कलेजी. नाज़रीन अब जो ये कलेजी है ये किसी और के कलेजे में चली जाएगी. हम बड़ा करके खाएंगे जी. वही क्या वैसे आप लोगों का मसाला कुछ कांटे चम्मच कुछ ही उठ रहा है. इतना विजुअली अच्छा लग रहा है. गरम ना जी. बैलेंस ऑफ प्रॉपर मिर्ची मसाला. कोई ज्यादा फर्क नहीं कलेजी में उसमें और मुर्गी की. उसमें एक छोटी सी ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद एक्टिविटी के लिए तैयार कर. ब्रेक में जहन को तैयार कर. छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं.
देखते रहिएगा सतरंगी। ईद मुबारक। माहौल सा बन जाता है ईद का और हर कोई इधर उधर घूमता फिर रहा होता है, कोई तस्वीरें खींच रहा है। अब जुड़ा खुल गया। मैंने कहा फिजा तुम्हारा जुड़ा खुल गया। नहीं नहीं करो फिजा को बेचारी को। अच्छा जी एजाज को एक्टिविटी जी जी जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, आपकी एक्टिविटी का टाइम हो गया है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो आपके लिए कुछ चिट्ठियां लिख कर लाई है, और चूंकि हमारे इस दौर में जो चिट्ठियों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है, तो हमने कहा कि क्यों ना अपनी पुरानी रिवायात को, जैसे ईद पे हमारी रिवायात पुरानी बरकरार रहती है, इस तरह हम अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखें। नहीं, और वो चिट्ठियां मैसेज पे जो चिट्ठी का वो एक पूरा एंगल बना होता है। तो हमारी ऑडियंस में से कुछ लड़कियां चिट्ठियां लेकर आई हैं, वो आप लोगों के लिए इधर इस बॉक्स में डालेंगे चिट्ठियाँ, और फिर हम आपको निकाल के एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़वाते रहेंगे, और जिन जो उन्होंने फरमाइश की होगी वो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, आ जाइए अपनी अपनी चिट्ठियाँ एक एक करके जी डाल दीजिए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। उससे पहले एक एक्टिविटी बड़े मजे की, क्योंकि ईद पे पहले भी है कुछ, उससे पहले ही बहुत कुछ है। जाओ साज, तुमसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करवाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास भारी काफी, मैं उठा दूं? नहीं नहीं उठा दूं, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे पास कुछ, ये हमारा वनडे का कप है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ गाने हैं इसमें लिखे हुए, और ये आपको भाई गाने करके बताने हैं, बगैर बोले करके बताने हैं कि कौन से गाने हैं। समझ गए आप? हमें उनको बताने या हमने आपस में बताने हैं? एक बंदा आएगा वो बुझेंगी, जब ये एक्टिंग करेंगी तो आप बुझेंगे, और बताओ आपस में इनको एक साथ बड़े बड़े हाथ, छोटी सी बट आपको अजीब सा तो लगेगा इन हाथों से, लेकिन कोई बात नहीं, दिखाना तो मैंने देखना है सिर्फ, कलर अच्छा और कोई नहीं देखेगा। अब हमने पूछ रहे हैं, हमारी टीम अलग है भाई, कोई भी पूछ सकता है। चले टीम बनानी पड़ेगी वैसे, है ना? मैंने सिर्फ पर्ची निकालनी थी, मैंने सिर्फ पर्ची निकालनी थी ना। आइए ना, एक्टिंग भी आपने करनी है। तालियां एजाज के लिए। अच्छा वो बताता हूँ, नहीं बोलूंगा, नहीं इशारे समझाऊंगा क्या। चले समझाएं। अच्छा चले जी, थोड़ा सा पुराना गाना है। आ जा रे। नहीं राग आ दिल 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 मन जान 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 जाने जाने जान नहीं जाने मन डांस करके बताओ ना। नेक्स्ट गाने पे अब ये जरूर करना है। अंग नरगसी था, ये हमें चाहिए था, अंग नरगसी नुमान, ये स्टेप था दीदी तेरा देवर दीवाना। नहीं नहीं उसमें सिर्फ ये था। फिजा सिर्फ उठा के मुझे दे दो पर्ची, मैं बताऊंगी क्या। फिजा फिजा जुड़ा 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 है, उधर ही आ जा। आईज लॉक्ड यार, तंग करो फिजा, झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, है ना? ये सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल परफेक्ट। नहीं मैं तो नहीं, आईज लॉक्ड है, इधर आओ। जुड़ा कह रहा हूं मैं, जुड़ा बोला हमें, जुड़ा तो ठीक है, हमें नहीं नजर आ रहा, हमें नहीं नजर आ रहा, तो गा के भी सुना सकती है। चले नहीं तो आके बताओ यार, ये तो बहुत जल्दी तुम लोग
गेस कर सकते हो ठीक है। मिर्जा अपनी जगह पे ही खड़ी हो जाओ, सबको नजर आ रहा है। मुझे एक छोटा सा कुछ पीस पीस कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अभी गेस या अल्लाह कलेजी का पीस क्या चाहिए? ये बेचैन बॉडी बन रही है। रान चाहिए, रान टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर। अब समझो जिस तरह लड़की बिल्कुल इसी तरह सुनना तुमने जो अब लड़कों की बारी है, बारी आई है भाई। गाने तो आपने नमाज से बहुत सुनोगे, आज एक्टिंग करते हुए कैसे लगते, कितना मजा आएगा ये देखकर और एक्टिंग भी गाने की। पहली बार एक सिंगर जो बगैर गाए गाना गाएगा। फटी हुई बच्ची है ऑलरेडी। ओए ओए सबको मत दिखाना। अबे फटी हुई है, इधर आओ, इधर आओ, जोड़ दे, इधर आओ, इधर आओ, ब्लैंक इधर आओ ना, गलत बच्ची उठा दी ना। ओए फटी कोई नहीं, कोई नहीं चीता, सब पता है। ओके 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 ओके, सब इधर हो, इधर मुझे एक कपड़ा चाहिए, कहीं कपड़ा चाहिए, वो तो कोई भी पहन लो, कुछ भी ओढ़ लो, बाहर कपड़ा सब कुछ भी। मशमल्ले ये लो, ले लो टिश्यू, टिश्यू। अरे ये तो बिल्कुल वही चीज बन गई है। हां चलिए शुरू हो जाइए। दुपट्टा समझ जा, समझ जा। उड़ गया है मेरे हवा के झोंके। नहीं 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 लाल दुपट्टा। नहीं 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 अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इतना बच्चन, इधर आओ ना, इतना सा बच्चन। हां ऐसे करो आप। झोली हाँ 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 चल एक और दूसरा। और उसके ऊपर जो अच्छे होते हैं, जो अच्छे होते हैं इस कपड़े पे, जो अच्छे होते हैं सितारे, सितारे एक चीज होती है ना। नहीं नहीं गोटा, गोटा मतलब किसी पे, चांद पे भी एक ज्यादा पड़ेगा उसको टक बैठक करनी पड़ेगी। आंचल पे दाग, हमको याद आने लगे। एक सेकंड दाग, एक सेकंड। अबे यार नहीं, मगर तुमने जो कहा था इसके अंदर जो दाग तो आ गया। हां दाग तो आ गया, वो जो मैंने पहना हुआ था वो क्या था? चुनरी भी तो कंफर्म, चुनरी चुनरी तो कंफर्म। और ऊपर ले तो मुझे नहीं पता, उसने कहा था दुपट्टे का दूसरा नाम आंचल क्या था? आंचल नहीं, आंचल तो मैं कर ओके। अपेरेंटली दैट वाज रियली सिंपल बाय द वे। ऑरेंज चुनरी पे दाग। ओ माय गॉड। हां चलिए जी, तो जी मिशी की पर्ची जो निकली है, आए हाय हाय हाय, अगर मुझे प्रॉमिस पाया नहीं मैंने। हाँ क्या मिशी, मिशी कहाँ जा रही है? मिशी इधर आ, इधर आ भाई। बहुत सारे लफ्ज हैं, पांच से आगे। हाँ यही है, एक दो तीन मिशी एक्शन करके बता दे, सब समझ जाएंगे खुद ही। लव स्किन रही, एक पहला लव, सात सात लफ्ज हैं टोटल। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड है छोटा टुकड़ा, छोटे छोटे भाई। मिशी थोड़ा इधर आ जा, मैं इधर नहीं आ रही। मिशी साइड पे आ जा, मिशी अपनी जगह पे आ जा, मिशी इधर आ। दिल के टुकड़े हजार हुए, एक तीसरा वर्ड, तीसरा वर्ड है दुनिया, बाहर बादल, बादल। मिशी तो एक्शन दे ही ना, दो खुद ही समझ जाएंगे। अर्श नहीं, मोटा पापा, हेलो हेलो, बड़ा बड़ा बड़ा। अच्छा एक सेकंड, बड़ा है बड़ा, ओके बड़ा है ना उसमें, तीसरा लफ्ज बड़ा है। हाँ तीसरा बड़ा हो गया। फोर्थ, फिफ्थ, पांचवा, फिफ्थ वन, ये फर्स्ट है। हाँ फिफ्थ, कार्पेट क्लीनर वाले की बात, ये शो है मतलब झूठा। हाँ हाँ झूठा, मस्त बड़ा, मस्त मस्त, हाँ मस्त मस्त बड़ा, मस्त मस्त था बड़ा, मस्त बड़ा, मस्त दम मस्त। चल भाई यार ये गाना मुझे नहीं आता। वाह वाह भाई, ये तो हमें नहीं आता। मस्त मस्त, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एवज आज है आज ही भाई गाना गाना। अबे यार ये क्या कर रही है यार मुझसे, तुमने खुद उठाई अपनी पर्ची।
हमने थोड़ी कुछ कहा था तुमको, कहाँ जा रहे हो? बाहर से निकल जाना है, ये तो बहुत मुश्किल है। वो मनोरंजन करो। क्या क्या है वाली स्टेप पे? उसका एक स्टेप जो है ना वो बेहद मशहूर है, और मैं वहां से करके दिखाऊंगा। चले जी, आइए आइए। यार बैठ के तो नोट नहीं निकला। तंग 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 तंग। उई उई उई। यार मुश्किल गाने रखे तुम लोगों ने, आसान रखने चाहिए। ये बहुत ही कोई मुश्किल। और भी बहुत मशहूर गाना है ना जी। यार सोच, सबकी फेवरेट हीरोइन का गाना है। ओके मैं। होटल। तुम्हारा अपना गाना। हाँ, फ्रोटो से सीने को यार क्या होता है? वाह वाह, अब एक आप भी कर लेना। आप भी कर ले। आप गाना सुना दें। हाँ प्लीज प्लीज, ये इक्वल हो जाएगा। आप गाना सुना दें बस पढ़ के। भाई क्या मुझे करना जरूरी है? हम लोग सारे कौन आइडिया देता है? ये तो मुश्किल था, दूसरा उठाऊंगा। वो सुनने का कोई फायदा तो मुझे? सारे फायदे आप ही को है। बैठ के करना ही इसे। सही है, बहुत आसान है। बहुत पुरानी फिल्म, पुरानी फिल्म है। मैं सो रही हूँ। नींद नहीं, मुझे नींद ना आए। गाते बचाते खाते पीते ये ईद जो है हमारी गुजर रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और ईद मुबारक। ईद मुबारक चल रहा है क्योंकि बकरा ईद है, ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, बड़ी ईद है, इतने सारे नाम है इस ईद के। और हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मज़ेदार से मेहमान और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और यकीनन आपको ये प्रोग्राम देखने में मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे आपके शोर बताएगा, शोर लग ही नहीं रहा। ये हुई ना बात। और जी एक और एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के बाद हम आपको खिलाएंगे कबाब जो कि बन चुके हैं। लेकिन पहले वैसे आप, मैं आपको बताऊं एक एक्टिविटी होनी चाहिए हिस्सा करने की, वो जो उसके गाय के या कोई गोश्त। अच्छा। अब यहाँ कहाँ गाय कटी हुई गाय पड़ी है ना यार। वो ये वाली एक्टिविटी है कि जी देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल्ला अपनी दादी को लिए अब्दुल्ला अपनी दादी को गोश्त देने जा रहा है और रास्ता भटक गया है, इसकी मदद करें। तुमने बना तो नहीं दिया? देखिए ये वाली जो साइड है लालू पहले रात की साइड है, अबे और ये वाली जो साइड है वो खबर की है। तो लड़कियों आ जाओ, फर्स्ट आ रही है यार। मैं तो लड़के आ जाएं, मैं तो फौरन कर रहा हूं। चलो भाई, नहीं ठहर जाओ और दो एक सेकंड लगाऊंगा। आ जाओ
सरेंडर किया था। और ये चूंकि दोनों टीमें बराबर हुई हैं तो दोनों टीमों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट हमारी टीम ने यहाँ पर रखा हुआ है और वो गिफ्ट मैं इनको लाकर दे रही हूँ। दोनों जीतने वाली टीमों को कौन कौन आप लोगों की टीम के जो सरदार है वो बता दें कौन कौन है, हाथ उठा लीजिए। और इधर अपने बच्चों को बिल्कुल जरूर और कान बिल्कुल तुम्हारे हाथ जाए। और गोश्त ना हो तो जी आहा क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह, ये मसाला लगा हुआ गोश्त यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें कलेजी भी है, गोश्त भी है, बड़े मजे मजे की बोटियां हैं, चर्बी भी है, और ये गोश्त जो है ये लगाना है हमारे प्यारे प्यारे मेहमानों को और लगाना है किसमें, इन सीखों पे। और ये तीन टीमें होंगी, तीन टीमें और नेक्स्ट टीम ज़्यादा अच्छा किसने तरीके से लगाया है ये भी देखना होगा। और हमारी जज होंगी शेफ फेमिदा। ठीक है फेमिदा, तैयार है? तैयार है, आप देखिएगा कितनी सफाई से लगाया और कितना ज़्यादा। ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन कितनी है भाई ये देख दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात रखी हुई है सारी गिननी है। ठीक है जी, तो जी सबसे पहले हमारी टीम का में एजाज असलम और जियाली। और जी हमारी दूसरी टीम कर रहे थे कि हम लोग कैसे लगाएंगे, पता चला हमने टीम ही अलग कर दी, सारे लोगों ने जितने सर जोड़ के बातें की सब खत्म। तो जी दूसरी टीम अहमद जाजेब और फिजाली। क्या करना है?
पड़ती है ताकि प्रॉपर गले नहीं भाई ये तो बुरी नहीं है ये भी कम है ये है सबसे अच्छी बात है जी कलेजी की अलग लगाई है देखिए मैडम मैं आपको समझाता हूँ ये जो हम लोगों ने बोटी लगाने की कोशिश की ये बड़ी डिसेंसी से लगाई है देखिए आप इसके अंदर आपको लटकता हुआ गोश्त नजर नहीं आएगा कहीं अच्छा जी और ये देखिए साफ सुथरी अच्छा आप दे दें मैडम हम बहुत अच्छा खाना बनाए ये मैंने नहीं लगाई ये बराबर की हम ये जीत गए कौन एजाज असलम अच्छा जी एजाज असलम की टीम जीत गई है अभी से पहले सही पीतर बटेर सब मिक्स कर दिए यार तो मिक्स में भी कोई नहीं नहीं मिक्स कौन खाता नहीं 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 कोई नहीं कोई बाजार बाजार जाओ तुम जाके ऐसे ऑर्डर करोगे एक एक सीट पे उसमें दो टिक्के लगाई बिहारी हो तो ये सही है लेकिन मिक्स कर दिए उन्होंने मिक्स नहीं करना चाहिए चिकन को ये लेगा जी ये क्वालिटी है क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं कौन सी टीम जीत गया आजा जरा हम बताते हैं लैंप मिलेगा आ जाइए इधर आ जाइए जरा सामने आ जाइए थोड़ा जरा सामने तो आओ चलिए मुझे मिल गया पहले जो भी टीम जीती है उसको यहाँ पे भंगड़ा डालना होगा ये क्या पहले बताते हैं क्या कह रहे पहले बताते जीतते ही नहीं पहले बताते जीतते ही नहीं तो जी टीम जीती है जिया जी और एजाज असलम की और अरीशा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नुमान मेरे लिए कोई खूबसूरत सा गाना गुनगुनाए मुबारक और जी हम लोग कलेजी
बच्चे की हैं और अब जो है मटन चॉप्स तैयार हो गई हैं और फहमीदा जो है वो मटन चॉप्स लेकर आ रही है फहमीदा के लिए बहुत सारी फहमीदा तुम तो छा गई हो भाई यार क्या करेंगे यार अभी बिरयानी भी है तीन घंटे पहले मैरिनेट की थी और क्या क्या लगाया आपके लिए ना इसके अंदर दही डाला है नेस्ले का आप तो कच्चा खा लेते और टिक्का मसाला डाला मैंने कोई भी ब्रांड का थोड़ा सा भी होता है और पीसी भी लाल मिर्च जायफल जावित्री पीसी भी और लेमन बहुत आला लवली बहुत मजेदार है वैसे वहां पे है तो अभी तो खाया नहीं हमने वही है देखने में इतनी अच्छी लग रही है और एक एक्टिविटी और चिट्ठी वाली सेकंड लास्ट इसके बाद एक और है तो आप लोगों ने कोई भी उसमें से कोई भी नाम चूज करना है आपने इसमें खाल कलेजी जबान दुम मगज चांप उसमें गाना लिखा हुआ होगा और वो गाना आपने टोन चेंज करके गाना है वाह जो उसकी धुन स्लो टोन में गाना है और अगर स्लो गाना हुआ तो फास्ट टोन में गाना है ठीक है ये लोग यही करते हैं एक टीम ये है और एक टीम ये है ठीक है तो जी बड़े सिंगर वहां पे बैठे हैं टीम चेंज करो यहां पे दो सिंगर है फिजा भी और मिशी भी दो बड़े सिंगर वहां भी बैठे हैं भाई दो सिंगर वहां भी हैं डन तो जी पहला नाम बताइए एजाज असलम साहब आप रान 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 तो कोई गाना नहीं होगा पता नहीं क्या लिखा नहीं इसमें गाना नहीं होगा लंगड़ी वाला गाना होगा कहां गया रान के अंदर गाना है यार मैं कहूंगा भाई आ गया फौरन लंगड़ी वाला ये क्या है गाना हम आपको बताएंगे उस गाने को अगर वो फास्ट गाना है तो उसको स्लो गाना है और उसकी टोन चेंज कर देनी है यानी तर्ज बदल देनी है आपने यार तुम बेचारे ये लोग कैसे तर्ज चेंज करेंगे आप मुझे भूल गए शायद यहाँ पर मैं लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद हूँ हाँ जी एजाज असलम और नोमान आपके लिए गाना है जो आपने फास्ट गाना है और टोन चेंज करके गाना है और गाना है सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं चले जी लड़कियों की टीम बताइए जी क्या पाया श्री सींग फेफड़े आते दिल दुम खाल जबान कलेजी चाप मगज गुटल चाप है खाल खाल भाई देखिए खाले जो हैं सब खाले जो हैं सब अपने अपने अच्छा जी खाल और जी खाल में से निकला है बाल नहीं बताते खाल में से निकला है अब इसको स्लो गाना है और टोन चेंज कर देनी है इसकी ट्यून चेंज कर देनी है उसकी मेलोडी स्लो कर और स्लो आज ब्लू है पानी 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 अबे यार ये गाने नहीं आते यार दिन भी इसका वर्डिंग नहीं पता नहीं 998 हम गाएंगे 998 करो स्लो करना स्लो करना इसको स्लो स्लो कर दो कोई और स्केल दे एक रहेगा सतरंगी ईद मुबारक दोबाला हो रही है और फहमीदा जो हैं वो किचन में लगी हुई हैं किसी अम्मी और पुप्पी और ताई और चच्ची और खाला की तरह और खाने बनाए जा रही है फहमीदा आप क्या तैयार है बिरयानी ले आइए ले आइए ले आइए फहमीदा इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें कैसे बन रही हैं ये पहले से बनाई नहीं तो आपके हम थोड़ी बना सकते हैं फहमीदा इसकी रेसिपी भी बताती चलो जल्दी जल्दी पीसी में लाल मिर्च नमक हल्दी लहसुन अदरक पिसा हुआ
और टमाटर लेमन जूस. अच्छा बीफ को मैंने मैरिनेट कैसे किया? दही से मैरिनेट किया था मैंने. दही, लहसुन अदरक और पीसी हुई लाल मिर्च डाल के. कौन चखेगा ये? डाल के मैं सबको चखा दूंगी. जी बिरयानी तैयार है और ये चख रही है इस वक्त मिशी खान. मिशी खान के लिए बिरयानी खाने पे तालियां. मैंने एक जमाने में बिरयानी खाई थी, इसलिए दो प्लेट बिरयानी. दो प्लेट, दो प्लेट पूरी खा ली. नहीं रहे तो एक किलो चॉप्स से फुल है. मैं भी आप टेंशन ना ले, सब लोग खुद ले. अभी रखते हैं बिल्कुल. अभी हमने इनसे ही गेम करवाना है थोड़ा सा. ओके अगर लोग खाने बैठ गए तो गेम भाई यार बस कर दोगे. जीज वो देखो ये तो जिन्होंने होना वो देखें. जरा नाजरीन इधर नजर डालिए. मोहब्बत सच्ची है. आप लोग खुद खाएं. शाबाश. मिशी खिला रही है. मुंह उसका बन खिलाते हुए. एक बार फिर वो देना है थोड़ा इजाज़ का. क्या कैसे? मिशी खिला रही है सबको और मुंह अपना बना. और जी आखिरी हमारा. और अब क्या गुब्बारे फाड़. आखिरी आखिरी तीर चला रहे हैं. ओ माय गॉड लंबे हैं ये स्टिक्स हैं. इससे आप इसको गुब्बारों को फाड़ेंगे और जो जितनी भी लड़कियां हैं हाँ ये इसके अंदर ईदी जमा करेंगी. मुझे जितने मिलेंगे सब ऑडियंस भाई सारे ऑडियंस के सारे ऑडियंस के. हाँ ये भी तो दो लड़के टक मैं तो हाथ. अच्छा मेरा पार्टनर कौन है भाई? अब ये गेम इजाज़ कौन है हमारा पार्टनर? पार्टनर कौन है? अपने अपने पार्टनर. अभी नहीं म्यूजिक के साथ और कोशिश करें कि चेहरा आपका कैमरे की तरफ रहे. थोड़ा सा इधर उठो ना. एमर कैमरे की तरफ कमर ना करें, मुंह इधर कर. 1 2 3 स्टार्ट. इसने शुरू किया था गिराना. इसने शुरू किया
इसको क्या कर रहे हैं घर लेके जाएंगे करना क्या आप इतनी क्यों ले रही ये क्या आफरीन कौन है भाई आफरीन आइए इधर और आफरीन ये चाहती हैं कि इनके साथ सब ग्रुप फोटो ले ले जरा सेल्फी बना ले सब आइए जी बहुत सारी तालियां मेरे प्यारे दोस्तों के लिए और आफरीन के लिए नीचे टोकरी डाल दी ये टोकरा दे दो ठाकुर आइए बहुत क्यूट लग रहा है स्वेट क्यूट लग रहा है ना हां एक और सब पहनने में ये वेरी क्यूट ये वियतनाम में आइए जी आप रखो यार ये देखिए ये टोकरी फटी टोकरी ये क्या चक्कर है हर बात हमारा जो टोकरी पड़ गया हमने इतना मेहनत किया हमने तुम्हारे लिए बाखुदा संभाल के रखे हम पहले गाफट बेचता था अब हम टोकरी बेचता बहुत ईद मुबारक बहुत हंसे लेकिन एक बात है कि जब अपने दोस्त होते हैं और मतलब दिल से खुशी एंजॉय करते हैं तब ज्यादा मजा आता है और अगर पत्थर के और लकड़ी के लोग आकर बैठ जाए तो मैं पानी डालते रहो लेकिन कभी भी वो हरे भरे नहीं होते वो यूं ही रहते हैं और डाल के आग क्यों नहीं लगाते पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए ऐसे लोगों को अच्छा जी फहमीदा बहुत खाने बना लिए आपने माशाल्लाह आप जरा कोई अपने देखने वालों को उधर जरा कैमरे के आगे हो जाए आप कैमरे से हमेशा कतराती हैं हाँ उन जो आप लोगों को पसंद करते हैं आपको पसंद करते हैं उनको कुछ ईद का मैसेज देना चाहेंगी मैं कहूंगी कि व्हाट वो अपने हिसाब से मैसेज देंगे ना भाई हाँ हाँ गोश्त को ज्यादा दिन फ्रिज में ना रखें हो सके तो अपने पड़ोसी और गरीबों में बांटें वाह 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 उनका मकसद ये है कि अपने फ्रीजर ना भरें वो फ्रीजर जो अभी अभी सही करवाएं क्योंकि फ्रीजर जो होते हैं वो बकरी दाने से पहले ही खराब हो जाते हैं सबके खराब हो जाते हैं होते हैं ना और जी अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो अल्लाह की मार पड़ती है फ्रीजर में जिन्होंने आज मेरे सतरंगी शो को और रंगीन और खूबसूरत बनाया करनी चाहिए तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं फिजा मैं तो बोलूंगी कि गोश्त जो है सिर्फ बांटना इज नॉट इम्पोर्टेंट गोश्त बांटने का ये है रीजन मिले अपने तो जो अब ट्रेंड खत्म हो गया जाके लोगों से मिलना जुलना जरूर चाहिए सीरियस आर यू सीरियस सवाल ही नहीं पैदा होता ये ऑल द वे फ्रॉम लाहौर फॉर दिस रीजन यार माय गॉड प्लीज नो बस कर मतलब ये बताने कि गोश्त के साथ क्या करना है यू टुक दैट इतना कष्ट उठाया आपने गोश्त मिशी गेम्स के मूड में मिशी अब मेरा मिशी नौकरा पट गया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अंतड़ियां और आते जो हैं वो प्लीज ना फेंके जिनको हम उर्दू में अलाइशे कहते हैं टोकरे में फेंके टोकरे में फेंके फटे हुए टोकरे ओजड़ियां बड़े मजे मजे के लफ्ज है ओजड़ियां फेंक दें और प्लीज सफाई का ख्याल रखें और ज्यादा गोश्त खुद ना रखें लोगों को दे दें और अपने प्यार जो है लोगों में बकरा हम खरीदे बांट लोगों में दोनों दोस्तों से तीनों कह रहे तीसरा कौन था मैं हूं ना तीसरी मैं तीनों दोस्तों से इत्तेफाक करती हूं कि ये जो गोश्त की रवायत बांटने की है इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और गोश्त बांटते रहें और खुश रहें भाई हम सब लोग सारा साल बहुत बिजी रहते हैं तो ईद जब के साल में दो दफा ईद आती है तो ईद जब भी आए मिले नमाज
अच्छा मेरा जो मैसेज है वो बकरों की तरफ से बकरों की तरफ से बकरा आपसे ये कहना चाहता है प्रोग्राम का वो खत्म हो गया और बिल्कुल भी दिल हमने साथ कर दोनों दोनों एक ही मसला हम दोनों हम नहीं आपके शो पे फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं जरूर बिफोर वी लीव बहुत अच्छा शो करती हैं फुल ऑफ एनर्जी एंड मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं सो पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा है मेरी आंसू पोंछ लो एक जो शो है उसके पीछे जो मेन होते हैं उनकी टीम होती है मसल आपकी टीम बड़ी पॉजिटिव है सो थैंक यू और मिशी का इंतखाबी निशान है टोकरा और इसका जिंगल है आ गया बेटो कैसे मिशी पे क्लोज करें मैं जब काम कर रही थी तो मेरा ठोकरा इन दोनों ने पार दी मीना की नकल उतरवानी चाहिए थी तुमसे मीना अगर ईद के दिन अगर पैगाम दे रही है आवाम को तो किस तरह देगी इस चीज से जो स्वीट पर अब मेरे ख्याल 16 साल हो गए उसकी नकल बेचारी की उतारते उतारते लेकिन एक्चुअली मैं कहाँ हूँ बस ये कहना चाहूंगी कि बकरे कितना अच्छा बोला आपने मेरे ख्याल में अब अच्छी दोस्त भी है बहुत वो भी नहीं माइंड करती शुरू में कहती थी यार तुम लोग मेरी नकल उतारते हो सच्ची बात है मिलजुल मैंने कहा हाँ मैंने यूनिफॉर्म पहना था तुम यहाँ कैसे मैंने कहा यार मैं इस कंपनी में काम करती हूँ मेरी यूनिफॉर्म पहना अच्छा कब से मैंने कहा 3-4 बार के कितनी दफा तो मेरी फ्लाइट हाँ ठीक है और जी टाइम खत्म हो गया है एक बार फिर हमारी तरफ से हमारे मेहमानों की तरफ से हमारी टीम की तरफ से सतरंगी की टीम की तरफ से एक्सप्रेस की तरफ से मेरी तरफ से मेरी को